तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा जरूर देखना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना, ना ही भूलना। तो मैं आपको बता दूं, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के अंदर आसिम रियाज को लेके थोड़ा सा मार्केट और माहौल गर्म हो चुका है, जिसके कारण है कि आसिम रियाज ने अभी तक इंटरव्यू क्यों नहीं किया। और इतने सभी आए उस पार्टी के अंदर जहां पे कलर्स के अंदर इंटरव्यू हो रहे थे लगातार सबके धड़ाधड़, लेकिन वहां पे आसिम रियाज नजारत रहे और कहीं ना कहीं वो दिखे नहीं। तो लोगों का एक सवाल बना कि यार ये जा रहे नहीं जा रहे। तो मैं आपको बता दूं कि शिल्पा शिंदे जो विनर है और आसिम रियाज जो रनर अप अपने अपने सीजन के, तो सबसे पहले इंटरव्यू हो गया शिल्पा शिंदे का, उसके बाद सभी को जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं जिनको हमने बिग बॉस में देखा है उनको एक साथ बिठा के उनका इंटरव्यू हुआ। लेकिन आसिम रियाज कहाँ पे गायब रहे। लेकिन आसिम रियाज का मैं आपको बता दूं कि गलती हुई थी बिग बॉस 13 के अंदर कि आसिम रियाज को मेकर्स पहचान नहीं पाए थे। और आपको मैं ये भी बता दूं, जो पुराने चाहने वाले और आसिम रियाज के फैंस होंगे उन्हें पता होगा बखूबी कि आसिम रियाज का जो सिलेक्शन हुआ था बिग बॉस 13 के अंदर वो सिर्फ 2 घंटे पहले हुआ था। मतलब उन्होंने तो अपना बैग पैक कर लिया था और वो जा रहे थे बॉम्बे से कश्मीर अपने काम के लिए, लेकिन लास्ट में कॉल लगाई गई कि आप आ सकते हो, आपको हम सिलेक्ट करते हैं बिग बॉस के अंदर। बिल्कुल अनजान सा एक चेहरा जो लोगों के सामने आया और उसके हिसाब से जिस हिसाब से उसने अपनी गेम रखी, गेम खेली, वो लोगों को काफी पसंद आई। बेशक सिद्धार्थ भाई बहुत अच्छा खेले और वो विनर बने उस सीजन के, लेकिन आसिम का भी एक अहम रोल था उस सीजन को हिट कराने के अंदर। तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई थी, लास्ट मोमेंट में आसिम रियाज को सिलेक्ट किया था, उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने धूम मचाई, जिस हिसाब से उन्होंने तहलका मचाया, तो अब मेकर्स वो गलती नहीं करेंगे। अच्छे से हाइप बना रहे हैं आसिम को लेके, लास्ट मोमेंट में आपको इंटरव्यू भी दिखेंगे, उनके इंटरव्यू धाकड़ करेंगे, क्योंकि कलर्स को पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने बिग बॉस का एक ऐसा कहते हैं ना ग्राफ, एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसको टच करना अब बहुत मुश्किल है। जैसे सिद्धार्थ भाई और आसिम ने जिस हिसाब से गेम खेली थी बखूबी, हम ढूंढते हैं कि वैसी गेम अभी तक हमें नहीं दिखती। फेक फाइट दिखती है और एक बनावटी लड़ाई दिखती है, लेकिन सिद्धार्थ भाई और आसिम की जो फाइट थी ना, उनमें आंखों में दिखता था कि रियलिटी दिखती थी, एक सच्चाई दिखती थी। वो एक दूसरे के फ्रेंडशिप रही, फिर उनकी दोस्ती खत्म हो गई, फिर फाइट हो गई चालू, ये सब चीज़ देखने को मिली। तो यहाँ पे बखूबी है कि जो गलतियाँ पहले हुई थी पहचानने में आसिम रियाज को, मेकर्स नहीं करना चाहते, कई बार उन्हें इन्वाइट किया है, कई बार उनको दूर भी रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है और कहीं ना कहीं सूत्रों से भी खबरें आ रही कि आसिम रियाज सीजन का हिस्सा तो बन रहे हैं, लेकिन जो उनकी एंट्री अब कलर्स लेके आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आसिम ने अपनी डिमांड रखी होगी, बहुत तुमने मुझे इग्नोर किया है। और बिग बॉस में भी कई बार उन्हें बुलाने की कोशिश की थी बिग बॉस 13 के बाद, लेकिन वो नहीं आए गेस्ट बन के, उन्होंने मना कर दिया। यहां तक कि जब उमर को निकाला, जब भी उनको था कि इनवाइट किया था, वो नहीं गए थे घर के अंदर, अपने भाई को लेकर घर चले जाते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों ने देखी है। तो अब मेकर्स जो गलतियां पहले कर चुके हैं आसिम को लेकर नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल से आसिम माने हैं, कई बार उन्हें बुलाया गया उन्होंने ना किया था, लेकिन अब कलर्स की तरफ कदम दोबारा बढ़ा दिया आसिम रियाज में। और कलर्स पे उनका जो एक चाहने वाला एक फैंडम था जो लगातार बिग बॉस में उन्हें प्यार करता था, वो आंखें गड़ाए और बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि आसिम रियाज को कब दोबारा कलर्स में देखेंगे, कब वो टास्क परफॉर्म करते दिखेंगे और क्या वो ये सीजन जीत पाएंगे। वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा जब वो खतरों के खिलाड़ी के अंदर अपना परफॉर्म दिखाएंगे और किस हिसाब से गेम खेलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा छुपा के रखने का मकसद यही है कि भाई धमाकेदार एंट्री कराना चाहते हैं आसिम रियाज की, जो गलतियां पहले करी थी अब दोबारा दोहराना नहीं चाहते मेकर्स और कलर्स वाले। तो यही चीज है और ये चीजें चल रही है। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। कल से हम रेगुलर अपनी लाइव को करेंगे और रेगुलर 10 बजे हम आया करेंगे खतरों के खिलाड़ी पर। अगर आसिम रियाज 100 सूत्रों से देखे जा रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में कभी पलटी ना मार दे, क्योंकि कई बार कलर्स ने पलटी मारी है, तो कहीं ना कहीं आईना दिखाने के लिए आसिम रियाज भी लास्ट मोमेंट में मना ना करते भैया नहीं जाना, ऐसा कुछ ना हो जाए और सब कुछ सही चले और आसिम घर जाए, तो हम भी बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी पे करेंगे रिव्यू भी, देखेंगे भी और एपिसोड भी, और कल से लाइव करेंगे। तब तक ले बाय, अल्लाह हाफिज। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो आसिम रियाज का।